हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री इंश्योरेंस इनसाइट्स बाय इंश्योरेंस समाधान। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि इस बार हम बात करेंगे रीस्टोरेशन बेनिफिट्स और टॉपअप प्लान पॉलिसी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे रीस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, रीस्टोरेशन का मतलब होता है किसी चीज के खत्म हो जाने के बाद उसको रीस्टोर करना। इस बेनिफिट का ये मतलब होता है कि अगर किसी एक हॉस्पिटलाइजेशन या मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन में आपका खर्चा आपके सम इंश्योर्ड को एग्जॉस्ट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है, तो ये बेनिफिट उस सम इंश्योर्ड को वापस से रीस्टोर कर देगा। अब बात करते हैं कि कौन सी बातें हैं जो आपको इस बेनिफिट में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला आता है अनलिमिटेड रीस्टोरेशन। हालांकि इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अनलिमिटेड रीस्टोरेशन का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी जितनी बार आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होगा उतनी ही बार उसको वापस से रीइंस्टोर कर देगी। दूसरी चीज है रीस्टोरेशन फॉर सेम इलनेस। तो इसका क्या मतलब है, आप समझिए कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ये रूल लगाती हैं कि अगर मल्टीपल जो भी आपके इंश्योर्ड मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक को एक बीमारी हुई तो ये रीस्टोरेशन बेनिफिट उस सेम बीमारी के इलाज के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ये ऑप्शन देती हैं कि आप रीस्टोरेशन फॉर सेम इलनेस भी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत उसी बीमारी के फ्यूचर इलाज के लिए भी अगर आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है उसको रीस्टोर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ये तभी चालू होता है रीस्टोरेशन बेनिफिट जब आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है। इसका एग्जांपल हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। फोर्थ है मैक्सिमम ऑफ सम इंश्योर्ड, ये भी हम आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाएंगे। तो मान लीजिए कि आपकी 5 लाख रुपए की एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। अब ओनली स्टार्ट्स आफ्टर सम इंश्योर्ड का क्या मतलब है कि जब तक आपका ये पहला सम इंश्योर्ड पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा तब तक इंश्योरेंस कंपनी इस बेनिफिट को आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी एक बीमारी और एक हॉस्पिटलाइजेशन में 4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है तो अब आपका सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए का बाकी है। अगर इसके बाद किसी और बीमारी या सेम बीमारी के लिए आप वापस से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख तक का ही बेनिफिट देगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका ओरिजिनल सम इंश्योर्ड 5 लाख का है। जब तक ये पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक रीस्टोर नहीं किया जाएगा आपका सम इंश्योर्ड। हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पार्शियल रीस्टोरेशन का भी ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं। इसमें ऐसा होता है कि 5 लाख में से जैसे ही आपका कुछ सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हुआ उसको रीस्टोरेशन के अंतर्गत वापस से सम इंश्योर्ड जितना भी आपका एग्जॉस्ट हुआ उसको रीस्टोर कर दिया जाता है। मैक्सिमम अप टू सम इंश्योर्ड रीस्टोरेशन बेनिफिट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एट अ टाइम हमेशा आपको जो मैक्सिमम कवरेज है वो अपना सम इंश्योर्ड जितना ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी में टॉपअप की इम्पोर्टेंस यहाँ पे चालू होती है। अगर आप किसी भी बीमारी में 5 लाख से ज्यादा खर्चा करते हैं तो रीस्टोरेशन बेनिफिट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, उसके बाद कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ये बेनिफिट आपकी हेल्प करेगा। अब आते हैं टॉपअप प्लान पॉलिसी के ऊपर। क्या होती है एक टॉपअप प्लान पॉलिसी और किन केसेस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि मेडिकल लाइन में आज की डेट में जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना ही तेजी से बढ़ता है जितना ज्यादा आप सम इंश्योर्ड को बढ़ाते जाएंगे और हर इंसान इतना ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं पे आपका रक्षक बन के आता है टॉपअप प्लान। ये कब चालू होता है, इसमें एक डिडक्टेबल डिसाइडेड होता है और वो डिडक्टेबल के बाद अगर आपका कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो ये टॉपअप प्लान कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टॉपअप प्लान लिया 1 करोड़ रुपए का और उसमें डिडक्टेबल रखा 5 लाख रुपीज, तो किसी भी इलाज में अगर आपका पहला 5 लाख रुपए का खर्चा होता है तो उसके बाद जितना भी आपका एक्सपेंस अप टू द सम इंश्योर्ड खर्च होगा ऑफ द टॉपअप प्लान वो ये पॉलिसी कवर करेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो आपको जाननी है, चूज डिडक्टेबल वाइजली कि डिडक्टेबल क्या होता है। दूसरा पॉइंट है नॉट रिलेटेड टू द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये दोनों पॉइंट को हम आपको एक साथ जोड़ के समझाएंगे। टॉपअप पॉलिसी में जो भी सम इंश्योर्ड होता है वो तभी ट्रिगर होता है जब आपका डिडक्टेबल खत्म हो जाए, यानी डिडक्टेबल का खर्चा आप कर दें। अब इसका किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई रिलेशन नहीं है। लेट्स से कि एक इंसान है जिसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है 5 लाख रुपए तक की, तो वो इंसान अपना डिडक्टेबल 5 लाख रख के अपना टॉपअप कवर ले सकता है। वहीं अगर मेरे पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है फिर भी मैं टॉपअप पॉलिसी एक डिडक्टेबल डिसाइड करके ले सकता हूँ, उस पर्टिकुलर केस में स्टार्टिंग का जो वो डिडक्टेबल का अमाउंट है वो मेरे को मेरी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है सम इंश्योर्ड इसमें हायर लिया जा सकता है। जैसा हमने बात किया कि रीस्टोरेशन बेनिफिट में एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन में आपको अपने सम इंश्योर्ड से ज्यादा का अमाउंट नहीं मिलेगा, वहीं टॉपअप में आप सम इंश्योर्ड को अपने
हिसाब से कितना भी हायर ले सकते हैं। और इसकी जो ब्यूटी है वो ये है कि इसका ओवरऑल जो प्रीमियम कॉस्ट आता है वो काफ़ी लोअर साइड पे आता है। चौथा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें ऑलरेडी वेटिंग पीरियड पूरा हो भी चुका है तो भी टॉपअप पॉलिसी में जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से वेटिंग पीरियड ज़रूर अप्लाई होता है, तो बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल देंगे और समझेंगे कि किसको रिस्टोरेशन बेनिफिट लेना चाहिए और किसको टॉपअप प्लान लेना चाहिए और दोनों में क्या फ़र्क है। लेट्स से एक कस्टमर है और उसकी 5 लाख रुपीज़ की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब अगर उसको ये लगता है कि मेरा और मेरी फैमिली का मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस में ये सम इंश्योर्ड काम आ सकता है, लेकिन एक बार में मेरा कभी भी खर्चा 5 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, उसके लिए बना है रिस्टोरेशन बेनिफिट प्लान। क्योंकि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन में उसको 5 लाख रुपए तक का खर्चा ये पॉलिसी देती है और उसके बाद हर बार वो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड रिस्टोर होता रहता है। अब हम बात करते हैं अगर उसी आदमी की 5 लाख रुपए की पॉलिसी तो है लेकिन उसको ये लगता है कि मेरा एक ही इलाज में ये ना हो कि कोई बड़ी बीमारी की वजह से मेरा जो खर्चा है वो 25, 30, 50 लाख हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में रिस्टोरेशन उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसकी हेल्प करेगा टॉपअप प्लान। इनिशियल जो डिडक्टेबल डिसाइड वो करता है, उतना अमाउंट के बाद जितना भी खर्चा उसका उस पर्टिकुलर डिजीज में होता है वो उसको मिलेगा इस टॉपअप प्लान के। तो आई होप कि आप लोगों को हमने क्लैरिफाई किया कि ये दोनों प्लान्स और बेनिफिट्स में क्या फर्क है। अपना हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ध्यान से लें। किसी भी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन, डिले या शॉर्ट सेटल होने पर कॉन्टैक्ट करें इंश्योरेंस समाधान को। जय हिंद।